गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज का। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन एक्सेलरेट्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 15 ग्राम थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर। तो एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना, 15 ग्राम, ठीक है। उसको उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 2.5 न्यूटन, और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है कितना, 2.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। कितना डिस्प्लेस किया वो, 2.5 मीटर। फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड, है ना। फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड। तो वर्क डन तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर भैया, अब स्टेशनरी पार्टिकल था शुरू में, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही वेलोसिटी आएगी, जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, है ना। और फोर्स का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही होगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एफ कितना है भैया, 2.5। एफ कितना है, 2.5, ठीक है। और कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो 2.5 इंटू 2.5 करोगे तो क्या आएगा, 6.25 जूल्स। इतना तो वर्क आ गया, है ना। अब एवरेज पावर डिलीवर्ड की बात की है, तो भाई पावर का एवरेज क्या होता है, पी एवरेज। पहली बात तो पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ वर्क, ठीक है ना। रेट ऑफ वर्क, अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वर्क। और एवरेज पावर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। रेट मतलब तो वही होता है, टाइम रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। तो एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, टोटल वर्क डन निकालोगे अपॉन टोटल टाइम निकालोगे। तो वर्क डन टोटल अपॉन टोटल टाइम जो भी लग रहा होगा। अब टाइम पता नहीं, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यू इज इक्वल टू अपने पास क्या दिया हुआ है, 0, है ना। एस कितना दिया हुआ है अपने को, 2.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5 न्यूटन फोर्स अपॉन मास। मास कितना है, 15 ग्राम। 15 ग्राम मतलब कितना हुआ, 15 इंटू 10 का पावर माइनस 3 kg, ठीक है। तो अपने पास u है, s है और a है, ठीक है। तो अपन v इज इक्वल टू यू, सॉरी अपन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में देखो, आपके पास s पता है, u पता है और a पता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक रिजेक्ट कर देना, एक नेगेटिव आ जाएगा शायद, ठीक है। तो ले देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको टोटल वर्क डन पता ही है, 6.25 जूल आएगा वो। तो 6.25 जूल को यहाँ रखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो टाइम आ रहा है उसको यहाँ रखो, आपका पावर एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन में मैं कैलकुलेशन करके यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही करो जो आपके काम आएगी, है ना। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आलसी हो जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू।